आपको डर लगता है? इंग्लिश सेंटेंस फ्रेमिंग में दिक्कत होती है, इंग्लिश ग्रामर नहीं आती। यू नो इन इंडिया इंग्लिश इज वेरी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर अस, नॉट ओनली फॉर आवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बट इट्स प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, इन योर ऑफिस वर्क, इन योर स्कूल फॉर कन्वर्जेशन एंड मैनी मोर। तो इंग्लिश 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 इंग्लिश, इस इंग्लिश लेक्चर में हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लेक्चर ये होगा हमारा। इससे हम सीखेंगे कि कैसे सेंटेंस फ्रेमिंग होती है, क्या वर्ड्स होते हैं, कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। बिना किसी देर किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जब हम कुछ भी बोलते हैं लिखते हैं तो हम वर्ड्स यूज करते हैं। ये वर्ड्स कैसे बनते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो वर्ड्स आ रहा है लिखा हुआ लेटर, इन ये सभी इसमें एक एक लेटर्स मिले हुए, ये लेटर्स मिल के ये वर्ड बना। ऐसे ही जब कई सारे वर्ड्स बनते हैं तो उनको मिला के सेंटेंस बनता है, और फिर जब कई सेंटेंसेस को हम एक साथ रखते हैं, मिलाते हैं, तो वो हमारा बनता है पैराग्राफ। तो ये रही हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन, कैसे हमारा वर्ड्स बनता है। अल्फाबेट्स को मिला देते हैं और उस वर्ड का कुछ मीनिंग निकलता है तो वो एक वर्ड हो जाता है, फिर सेंटेंस। अब बारी आती है वर्ड्स के टाइप्स के, काइंड्स के। हमारा बेसिक सा वर्ड हमारे चार तरीके होते हैं, बेसिकली फोर ही होते हैं। पहला हो गया नाउन, दूसरा वर्ब, और तीसरा एडवर्ब, और फोर्थ वन इज एडजेक्टिव। इसके अलावा हम पार्ट ऑफ स्पीच में सुने होंगे कि देर आर आठ टाइप होते हैं, नाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये रहे आठ। तो जब भी हमारी वर्ड्स की बारे में पूछा जाएगा तो हम सीधा बस इतना ही जानेंगे। बेसिकली हमारा यूज इन चार से होता है, बट क्योंकि ग्रामर का पार्ट है तो, और ये भी बहुत ही इसेंशियल पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया। हम बेसिकली डील करेंगे ये फोर से, नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, तो इसीलिए मैंने ये चार को मेन बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस जब भी हम वर्ड्स को एक ग्रुप में रखते हैं, उस ग्रुप में क्या हो सकता है, वर्ड्स, कुछ सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, कोई भी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करेंगे, कोई क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये सभी सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से खत्म होता है। तो चलिए सेंटेंस की डिफिनेशन देख लेते हैं। जब भी हम, व्हेन वी स्पीक और राइट, वी यूज वर्ड्स इन अ ग्रुप एंड ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब उसको हम सेंटेंस कहेंगे। जब भी वर्ड्स को हम यूज करेंगे एक ग्रुप में और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कुछ एक कंप्लीट सेंस निकले, कंप्लीट मीनिंग आए, तो उसको हम कहेंगे सेंटेंस। अब बात बारी आती है पार्ट ऑफ सेंटेंस की। एवरी सेंटेंस है टू पार्ट। अभी हमने बताया कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब होगा, फिर कुछ एक्सप्रेशन होगा, या फिर क्वेश्चन आस्क करेंगे। तो ये इस हिसाब से देखिए, हमारा सेंटेंस का सिर्फ दो पार्ट होते हैं। पहला एक तो सब्जेक्ट और सेकेंड वन इज प्रेडिकेट। इसके बाद देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। द रोज इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ फ्लावर्स। इसमें देखिए, ये जो द रोज है ये एक सब्जेक्ट है और बाकी रेस्ट पार्ट ये ना हो गया प्रेडिकेट। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल चलते हैं, गॉड विल हेल्प अस। इसमें गॉड, गॉड है सब्जेक्ट अपना, और विल हेल्प अस हमारी मदद करेगा, ये है प्रेडिकेट। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया गया है, प्रिडिक्ट किया गया, कुछ कहा गया है। जैसे सेकेंड सेंटेंस में गॉड विल हेल्प अस, गॉड सब्जेक्ट है अपना, तो इसके बारे में ही बताया ना कि ये हमारी हेल्प करेगा, गॉड हमारी हेल्प करेंगे, तो ये एक्सप्लेनेशन है, उनके बारे में कुछ बताया गया है। ऐसे ही फर्स्ट सेंटेंस में द रोज इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ फ्लावर्स, ये भी द रोज के बारे में बताया गया, रोज के बारे में बताया गया कि ये क्वीन ऑफ फ्लावर्स है। ऐसे अभी इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ आपको एक्सरसाइज ऐड कर देंगे, उसमें आपको करना ये होगा कि एक सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालना होगा, और फिर एक और एक्सरसाइज देंगे उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग होगा, आपको उसको कंबाइन करके एक सेंटेंस फॉर्म करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।